चलो व्लॉगिंग करने का कुछ तो फायदा हुआ मार्क। क्या हो गया? ये क्या है भाई? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज हमारे यहाँ तीसरा दिन और आज चार पांच जगह जाने वाले हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और ये कुछ हमारा रूम से व्यू है। मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। कल के बाद आज, हाँ कल नहीं नहाया था, आज नहाया हूँ तो अच्छा लग रहा है। और नॉर्मल शॉर्ट्स और ऊपर में गोवा शर्ट पहन के रेडी हो गया मैं भी। मस्त दिखता है रे गाड़ी। कुछ तो बोला, हेलमेट के लिए होगा मेरे ख्याल से वो। तो हम लोग थोड़ा सा गोवा में फंस गए थे सर, आप एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बोल रहे हैं थैंक यू सर। चलो व्लॉगिंग करने का कुछ तो फायदा हुआ मार्क का सर। ये हम ट्रैफिक पुलिस से बच के निकलते हैं। तो अभी हम लोग गन्ना रस पीने के लिए रुके हैं और अभी कांड हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया। तो क्या है, मैं और प्रवीण के साथ में बैठे थे, हम दोनों के पास तो लाइसेंस था लेकिन हमारे फैजल भैया जो दूसरी गाड़ी चला रहे थे उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो अब उसके लिए रुकवाए हम लोगों को, फिर बोलते हैं 10,000 rupees फाइन समथिंग। तो फिर ये और क्या करें, और वैसे तो 3,000 में माने थे तो हम लोग क्या किए, 2,000 रुपये दिए और फिर 1,000 फ़ोन पे करेंगे बोले। फिर बताया मैं यूट्यूबर हूँ तो 1,000 रुपये रहने तो मेरे को यूट्यूबर बहुत पसंद है। बोले असल भैया और चलाओ के बिना लाइसेंस के गाड़ी। उधर जाएंगे ना, गया मेरा, हो गया गीला, हो ही गया गीला। इस बीच में तो उतना कुछ खास नहीं है, बस पानी बहुत बड़ा हुआ है यार। ये वाला बीच तो पूरा खाली है और कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर पानी एकदम सामने सामने तक आ रहा है। तो और मेरे ख्याल से इस वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाकी सब लोग चिल करने के लिए बस बैठे हुए हैं। वाटर एक्टिविटी ज़्यादा लग रहा है। हाँ वाटर पानी ज़्यादा इस वजह से वो भी। अभी हम लोग जा रहे वैगट और ना यहाँ तो कुछ नहीं था खास। और ये कुछ अंजुना बीच का मार्केट है और काफ़ी ठीक ही है, डिसेंट लग। तो अभी गोवा को और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग वैगट और बीच जा रहे हैं। अभी पीक सीजन होने के वजह से हर जगह के प्राइजेस थोड़े बढ़ गए हैं। तो हम लोग का मेन मोटिव ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा गोवा घूम डालें, मतलब पूरा गोवा घूमना तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग ये है कि जितना हो सके चिल कर सके और मेनली कुछ जगह घूम ले अच्छे से, जो जो मेन गोवा में फेमस है, और बाकी तो कुछ खास नहीं है। आज का दिन तो थोड़ा बहुत टाइम वो ट्रैफिक पुलिस के पास कट गया और अब जा रहे वैगट और कुछ वहाँ देखेंगे। तो ये है वैगटर बीच और अभी हम लोग नारियल पानी पी रहे, फिर वो ऊपर में वहाँ पर है वो दिल चाहता है मूवी का वो स्पॉट, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और बाकी काफ़ी यहाँ अच्छा है। हाँ लाओ 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 गिरो बस मत, बाय। अरे
ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया हम लोगों को ये वैगेट और बीच में हम लोग बस फोटो ही खिंचाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी भी एक वीडियो ही बन रहा है और मज़ा ही आ रहा है। अभी और यही टाइम पास करेंगे, पानी बहुत प्यारा है यार। तो अगर आप लोगों को हमारे क्लिक किए हुए फोटोज और वीडियोज देखने होंगे तो इंस्टाग्राम में हैंडल दिख रहा होगा, उसमें जाके फॉलो करो। क्या हो गया ये क्या है भाई? तो अभी हम लोग वैगेट और बीच से तो निकल गए, अब जा रहे हैं चपोरा फोर्ट, जहाँ वो दिल से आता है वाला पॉइंट, वहाँ एक आध दो वीडियो बना के ऐसे ही घूम के निकल जाएंगे वहाँ से भी, और फिर देखते हैं रात को भी और कोई कोई जगह जाएंगे। अभी तो हम लोग के पास पूरा टाइम बचा है, अभी 3 ही बजा है और 2 बीच हम लोग घूम डाले और अभी चपोरा फोर्ट चलते हैं। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं चपोरा फोर्ट, और उधर साइड था वैगेट और बीच। अरे कितना ऊपर है, थक गए भाई, थक गए, अभी और सीढ़ी चढ़ना है पीछे। चलो अब तो इसके बाद ढूंढ भी नहीं सकते। तो हम लोग फाइनली चल गए ये फोर्ट एंड काफ़ी प्यारा व्यू है वहाँ से समुद्र पूरा, राइट टू लेफ्ट पूरा वही दिख रहा है। हम लोग थक गए भाई, सांस भर गए। कैसा लग रहा है? एक नंबर। कल आपका बर्थडे केक काटे, मजा आया? मचाएंगे, एकदम मजा आया। आज रात को क्या काटेंगे फिर? आज रात को अपन काटेंगे पैसा। कहा? कैसीनो में जाएंगे। बिग डैडी पैसा आया जाने के लिए? नहीं, ये 100 रुपये में 1 लाख बनाएंगे। उधर प्रवीण भैया पीछे में फुल मस्ती ले रहे हैं, नहीं पता किससे बात कर रहे हैं। हम लोग चल के थक गए और ये कैप मेरे कपड़ों से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये कलर अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिन से सोच रहा था ऐसा वाला एक लूँगा, अच्छा ही है ये। कल के कंडोलियम बीच आ गए हम लोग, उसके मार्केट में फिलहाल तो, और बाकी सब लोग आगे आगे चल रहे, मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ। तो हो गया हमारा खाना पीना भी और सनसेट भी प्यारा सा देख लिया, अब चलते हैं देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। फाइनली थक वक के हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए, इतने टाइम से बीच में थे, फिर शॉपिंग किया थोड़ा एंड अब बैठे हम लोग KFC में। उधर प्रवीण भी आ गए ऑर्डर करने के लिए और मेरे सामने में फैजल बैठा। बस इसके बाद जाएंगे, बिरयानी भी पार्सल कराएंगे, फिर रूम में जाके बैठे रहेंगे, फिर मूड हुआ तो रात को और निकलेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। होटल वापसी।